क्वेश्चन नंबर 10 में तो फिर हम लोग पहुंच गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने नोट भी कर दिया आपके सामने, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। उन्होंने साइड में लिखा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज लेस देन x इज लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 3। मतलब देखो ये जो साइड में लिखा होता है उसमें आपसे ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता है, बस ये बताने के लिए आपको लिख दिया जाता है कि इस फंक्शन में x की जो वैल्यू होगी वो माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 से बड़ी और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 से कैसी होनी चाहिए, छोटी। इससे अगर इस रेंज से या इस वैल्यू से बाहर है अगर आपका x, तो फिर जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये सिर्फ ये बताने के लिए कि किन x की कौन सी वैल्यूज के लिए हमारा फलन डिफाइंड है और कौन सी वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है, केवल ये बताने के लिए ही आपको ये साइड में लिखा जाता है। वैसे ज्यादा क्वेश्चन से इनका कोई खास मतलब नहीं होता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आप प्रतिस्थापन करके आप सॉल्व करेंगे। इस तरीके का एक क्वेश्चन 9 नंबर हमने सॉल्व भी किया था और इसकी थोड़ी शायद हिंट भी बताई थी मैंने आपको। ओके, मैंने बोला था आपको कि इस क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा लिखना, तो यहां लिखेंगे माना एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो अगर बेटा एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से बताइए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए वैल्यू लिखिए। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। टेन थीटा का क्यूब करेंगे ना, टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन थीटा स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा। अब सभी बच्चे जब इसको देखेंगे तो उनको एक चीज तो याद ही आ रही होगी कि 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस टेन 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेन 3 थीटा। याद आया सभी को? अच्छा, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से टेन इनवर्स टेन 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3 थीटा। वाई इज इक्वल टू 3 थीटा, थीटा की जगह पर लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स। तो मैं बेटा आपसे ये बताना चाहता हूं कि देखिए अभी तक जो इतना कैलकुलेशन किया अभी तक हमने अवकलन नहीं किया, अभी तक हमने केवल अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, उसको सरल करने की कोशिश की है, डिफरेंशिएशन अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया हमने। अब आप देखो डायरेक्ट अगर यहां से डिफरेंशिएशन करते, डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाते तो ये बहुत बड़ा हो जाता, कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो जाती, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और उसमें आपसे गलतियों की संभावना भी ज़्यादा थी। क्वेश्चन जितना लंबा होगा, क्वेश्चन में जितने कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होंगे, उतने आपसे मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं। इसलिए अब देखो इसकी तुलना में इसको करना है अवकलन, ये बहुत ईजी है। तो अब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 और टेन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक बताइए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। देन डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। बस ये आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। देखिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 में है बेटा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और यहां लिखा है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। मतलब यहां पर x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसे आपको कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आ गया।
अब इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर भी फिर कुछ ऐसा सोच कर रखो जिससे सिंप्लीफाई होके ऐसा छोटा बन जाए वो। तो यहाँ पर लिख देते हैं माना एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, टेन थीटा। आप ये सोच सकते हैं कि क्या हर सवाल में, हर क्वेश्चन में केवल टेन ही लिखना है? नहीं, आपके पास सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है जिसको रखने से आपका फंक्शन इजी हो जाए, बस वो लिखना है। तो टेन लिखेंगे और देखो कि कैसे इजी हो सकता है। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, अगर एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा है तब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, देयर फोर वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर मतलब टेन स्क्वेयर थीटा, और वन प्लस एक्स स्क्वेयर मतलब टेन स्क्वेयर थीटा। इतना समझ आया? अब सभी बच्चे ध्यान दो, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये किसकी वैल्यू है? कॉस टू थीटा की वैल्यू है। तो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, कॉस टू थीटा। अब फिर से देखो, कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा क्या बचेगा, टू थीटा, टू की जगह टू और थीटा की जगह पर टेन इनवर्स एक्स। अब हमारा क्वेश्चन देखो इजी बन गया। अगर ये इजी बन गया, अब आप इसमें एक्स के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज टू। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, मीन्स आवर डी डी एक्स ऑफ वाई विल बी टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले देखते हैं देख क्वेश्चन है क्या आखिरकार। क्वेश्चन नंबर 12 है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, जहां एक्स की वैल्यू जीरो से जीरो और एक के बीच में होनी चाहिए। अब इसमें क्या करने से बनेगा, फिर से सोचो। माना एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, यहां पर भी टेन थीटा रखने से ही हमारा काम बनेगा, ठीक है। अगर एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा तो थीटा बराबर, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। नहीं समझ आया ये? अच्छा रखिए वैल्यू, देयर फोर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। इतना तो सबको समझ आ गया, ठीक। साइन इनवर्स, अब ये लिखा है वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, तो ये किसकी वैल्यू है, कॉस टू थीटा। तो इसकी जगह पर मैंने कर दिया कॉस टू थीटा। अब ये साइन इनवर्स, ये जो कॉस टू थीटा देख रहे हैं अभी तो इसका कुछ नहीं हो सकता, तो बेटा हम इसको ऐसा लिखेंगे, साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा। वैसे हम चाहें तो साइन पाई बाई टू प्लस टू थीटा भी लिख सकते हैं। देखो भैया, इसमें ऐसा भी लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू प्लस टू थीटा। देखो क्या कोई गलती है इन दोनों में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये भी तो प्लस कॉस थीटा होता है, देख लो ना। नहीं समझ आया? दोनों सही हैं। इस तरह से वाई की वैल्यू कितनी आएगी, इससे अगर देखेंगे तो आएगी पाई बाई टू माइनस टू थीटा।
या अगर इससे देखेंगे तो क्या आएगी, पाई बाई टू प्लस टू थीटा। ठीक है, अब दोनों में थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, या दूसरी वाई की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई टू प्लस टू थीटा। ओ सॉरी, थीटा की जगह वैल्यू भी लिखनी है ना हमको, टू टेन इनवर्स एक्स। अब अवकलन करना है दोनों पक्षों का, तो हम यहां लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, पाई बाई टू इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, इट्स अ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विल बी जीरो, तो माइनस टू और टेन इनवर्स एक्स का वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, या इसका जब करेंगे आप तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू का जीरो, टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, और एक वैल्यू आ गई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद आपको ये लगता है कि हमारा ये आंसर भी सही है और हमारा ये आंसर भी सही है, पर आज इसका यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक्स की वैल्यू कैसी है, जीरो और एक के बीच में है, तो बेटा अगर एक्स की वैल्यू जीरो और एक के बीच में है इसका मतलब थीटा की वैल्यू जीरो और पाई बाई फोर के बीच में है। देखो टेन जीरो पर वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, और टेन पाई बाई फोर पर वैल्यू कितनी आएगी, वन, तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो और एक के बीच में है तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो और पाई बाई फोर के बीच में। अब ध्यान से देखें, ये वाला तो आपको पाई बाई टू से कम है, जीरो और पाई बाई फोर के बीच का क्या मतलब है, 90 से छोटा। भाई अगर आपका जो थीटा होगा वो जीरो और पाई बाई फोर 45 के बीच होगा तो ये 90 से कैसा होगा, छोटा, 90 से तो बड़ा नहीं जाएगा। यहां पर देखने की बात है कि ये जो एंगल आपको दे रहा है ये 90 से बड़ा जा रहा है, इसलिए इसको हम यहां से क्या करना पड़ेगा, हटा देंगे यहां से हम, ये हमारा आंसर सही नहीं रहेगा। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा या करेक्ट जो आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा, इसीलिए बुक में भी आपको प्लस वाला आंसर नहीं दिया जाएगा। अब ये बताएं क्या आपको कुछ बात समझ में आई, कि अगर आपका एक्स जीरो और एक के बीच का है इट मीन्स श्योरली योर थीटा शुड बी ऑल्सो बिटवीन जीरो टू वन, जीरो टू पाई बाई फोर सॉरी, और जीरो टू पाई बाई फोर मीन्स थीटा शुड बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये एंगल तो थीटा को हमारे एंगल को कहाँ लिए जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसको हम नहीं लेंगे, केवल ये वैल्यू आ सकती है, यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, नोट करें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, वेयर एक्स शुड बी बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, एक्स का मान माइनस एक और प्लस एक के बीच रहना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे करना है, यहां पर लिख देंगे माना एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, एक्स की वैल्यू टेन थीटा के बराबर मान लिया तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू लिखिए, देयर फोर वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक, कॉस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू है, साइन टू थीटा की वैल्यू है।
साइन टू थीटा, इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो कॉस थीटा इनवर्स फंक्शन से क्या बनेगा? ये बनेगा पाई बाई टू माइनस टू थीटा, वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू टैन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? टैन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों पक्षों में अवकलन कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जीरो माइनस टू, टेन इनवर्स एक्स का वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आएगी माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14th नंबर क्वेश्चन में है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन अपॉन अंडर रूट टू। अब इसको हमको कैसे सॉल्व करना है? देखो, इसमें माना एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, इसमें साइन थीटा रखने से काम बनेगा आपका। तो एक्स बराबर अगर साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन इनवर्स एक्स होगी, वैल्यू लिख दीजिए। तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू, एक्स की जगह पर साइन थीटा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। देखो जहां जहां एक्स था वहां सब जगह हमने क्या लिख दिया? साइन थीटा। तो ये वाई आ जाएगा साइन इनवर्स टू साइन थीटा और अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये कॉस थीटा हुआ, ये साइन इनवर्स। और ध्यान करें, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा, साइन इनवर्स साइन टू थीटा टू थीटा, वाई इज इक्वल टू टू थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट विल बी डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टू साइन एक्स इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये आंसर आ जाएगा हमारा। नहीं समझ आया? बहुत ज्यादा करोगे तो टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख दोगे गुणा करके। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है वाई इज इक्वल टू sec इनवर्स वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन, फेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन अपॉन अंडर रूट टू। इसमें हम एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखेंगे। एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू होगी कॉस इनवर्स एक्स। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर करेंगे कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, क्या इसको देखकर कुछ याद आ रहा है आपको? कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा के कई फॉर्मूले, उनमें से एक ये भी है। तो इसमें हमने लिख दिया cos 2 थीटा, ये हो गया sec इनवर्स
वन अपॉन कॉस टू थीटा क्या हुआ, सेक टू थीटा, और इस तरीके से वाई की वैल्यू क्या बची, टू थीटा। वाई इज इक्वल टू टू थीटा की जगह पर कॉस इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टू और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। इस तरह से ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो आपके एक्सरसाइज 5.3 है, ठीक है, और एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 5.4 ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 5.4 दोनों करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।